अगर सक्सेसफुल बनना है तो इस क्वाड्रेंट को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम पांडे, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। तो यार बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है हमारी लाइफ में कि भैया मुझे टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, भैया मुझे अपना जरूरी काम करना तो है लेकिन कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिनकी वजह से मैं अपना जो मेन जो जरूरी काम है वो नहीं कर पाता, या शायद जो अपना काम है मैं करते करते जो दूसरा काम है उसमें मैं खो जाता हूँ जिसमें जो मेरा इंपॉर्टेंट काम है वो नहीं हो पाता। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में एक ऐसे इफेक्टिव के बारे में बात करेंगे जो सक्सेसफुल पर्सन, जो हाईली सक्सेसफुल पर्सन है वो इसी तरीके को अपनाते हैं अपनी टाइम को मैनेज करने के लिए। यार कहीं ना कहीं हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आप जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी हो, कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आती होगी या आपका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो कहीं खो जाता होगा और जो ऐसा काम है जो इंपॉर्टेंट नहीं है आप उसे करने लग जाते हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अफेक्टिव तरीका बताऊंगा जिसको मैंने नाम दिया है क्वाड्रेंट मेथड। अब इस क्वाड्रेंट मेथड में है क्या, मैं पूरी चीजें बात करूंगा, वीडियो को पूरा देखना। चलो अब सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जैसे ही हमारा वीक स्टार्ट होता है, जैसे ही जो वीक का फर्स्ट डे होता है संडे, अब हम संडे को क्या करेंगे, हम एक A4 साइज का पेपर लेंगे और उस A4 साइज में हम ऐसी मैट्रिक्स बनाएंगे, 2x2 का मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, एक कॉलम में हम लिखेंगे ऊपर अर्जेंट, इस तरफ लिखेंगे हम नॉट अर्जेंट। ठीक है, एक कॉलम में इधर, इधर से हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट और इधर हम लिखेंगे नॉट इंपॉर्टेंट। अब करना क्या है, चलो मैं इसको नाम दे देता हूं, मैंने इसको नाम दे दिया भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको बहुत कुछ देके जाने वाली है। चलो अब जो ये वाला जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें हम उन चीजों को रखेंगे जो इस पूरे हफ्ते करना अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। तो जैसे कुछ भी हो सकता है, आपका अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वाले कॉलम में आप वो काम लिखोगे जो आपको इस हफ्ते करने ही करने हैं। जैसे हो सकता है आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो आप यहां पर लिख लो भाई कि ऑनलाइन क्लासेस लेना अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आप इस वाले कॉलम में वो पूरी लिस्ट बनाओगे जो इस हफ्ते आपको करना ही करना है, किसी भी कीमत पर आप छोड़ोगे नहीं इस हफ्ते। चलो दूसरा हो सकता है, आपको सेल्फ स्टडी करने की आदत हो तो आप सेल्फ स्टडी करोगे, भाई ये अर्जेंट भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अगर नहीं लूंगा तो मेरा सिलेबस पीछे हो जाएगा भैया, अगर हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ये दोनों काम आपके लिए अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। कुछ और भी काम हो सकता है, जैसे किसी का कॉल आता हो और बहुत अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है, तो आप हो सकता है लिख लो, आप कुछ भी लिख लो जो आपको इस हफ्ते इंपॉर्टेंट है करना और वो काम अर्जेंट भी है। चलो हमने लिख दिया यहां पर, तीन चीजें हमने लिख दी कि मुझे इस हफ्ते ऑनलाइन क्लास लेना है, हमें सेल्फ स्टडी करनी है और अगर कुछ अर्जेंट कॉल्स आ गए अपने दोस्तों के, अपने पेरेंट्स के या किसी रिलेटिव्स के तो मैं वो अटेंड करूंगा। ठीक है, अब जो दूसरा क्वाड्रेंट है जिसमें हम वो काम लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट तो है, कभी ना कभी तो करना है लेकिन अभी नहीं करना है, जो अभी अर्जेंट नहीं है। चलो जैसे हम इसमें कुछ लिख लेते हैं कि एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि नहीं करेंगे तो भाई हमारा हेल्थ खराब होगा। ठीक है, तो ये काम इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना अर्जेंट नहीं है कि मैं इसे अभी करूं। समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो कि नहीं? चलो इसमें हमने एक्सरसाइजेस लिख दी, चलो मैं एक्सरसाइज करूंगा, कसरत करूंगा। चलो और इसमें मैंने लिख दिया कि भाई आपका हो सकता है कोई पैशन हो, आपका गेमिंग पैशन हो, आप यूट्यूबर हो, कुछ ना कुछ एक इंसान का पैशन होता है जिसे आपको कैरी फॉरवर्ड करना होता है। ठीक है, तो आप उसको नॉट अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट वाले कॉलम में डाल सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया जो मेरा पेशा है टीचिंग का, वोकेशन, वोकेशन का मतलब क्या होता है,
पैसा, ठीक है। तो जो मेरा टीचिंग का काम है भाई, ये अभी तो अर्जेंट नहीं है क्योंकि तुरंत तो मैं कर नहीं रहा, मेरा जब मन करेगा मैं तब करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, करना ही है, ठीक है। तो इस वाले कॉलम में एक्सरसाइजेस लिख दी हमने, वोकेशन लिख दिया हमने, और भी ऐसे काम जैसे हमारी प्लानिंग हो गई किसी चीज की, हमारे लाइफ की प्लानिंग हो गई, हमारे आगे की स्टडीज की प्लानिंग हो गई, जो आपके लिए अभी तो अर्जेंट नहीं है लेकिन आप कभी ना कभी इसके बारे में सोचोगे, ठीक है। हमने दूसरे क्वाड्रेंट में वो रख दिया। अब तीसरे क्वाड्रेंट में हम वो चीजें लिखेंगे जो हमारे लिए अर्जेंटली आ जाती है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे जैसे हो सकता है आपके लिए कॉल्स आ जाए, गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाए, दोस्तों का कॉल आ जाए, जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन भाई अर्जेंटली आ गया है। कुछ हो सकता है ऐसे कह सकते हो कि कुछ नोटिफिकेशंस आ जाए आपके मैसेज, आपके फोन में नोटिफिकेशंस, ठीक है। और हो सकता है कुछ इंटरप्शंस हो जो आप पढ़ते रहो और वो अर्जेंटली ये इंटरप्शंस आपके पढ़ाई में दखल दे दें। जैसे कुछ कॉल्स हो जाते हैं जो हमें उठाने पड़ जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ ऐसे फोन के नोटिफिकेशंस हम पढ़ते रहते हैं, पिंग पिंग नोटिफिकेशन बजता है, जो हमारे लिए अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें वो काम नहीं करना चाहिए लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। अब चौथे वाले क्वाड्रेंट में हम वो चीजें लिखेंगे जो इस पूरे हफ्ते ना तो हमारे लिए अर्जेंट है ना तो इंपॉर्टेंट है। जैसे हो सकता है आपका पबजी खेलना हो सकता है, भाई आज के जनरेशन की तो पबजी खेलना अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वाले कॉलम में डाल देते हो आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो हो सकता है पबजी खेलना जो हमारे लिए अर्जेंट भी नहीं है ना तो इंपॉर्टेंट है, नहीं खेलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलो हो सकता है इसके अलावा कुछ आप टाइम वेस्टर्स काम करते हो, आप दोस्तों के साथ गपशप करते हो, आप बाहर घूमने जाते हो, ठीक है, तो उसको नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट वाले कॉलम में डाल दो। हो सकता है आपका कोई बिजी वर्क हो, कोई भी काम हो सकता है जो ना तो अर्जेंट है ना तो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो अब जब आपने ये चार कॉलम बना लिए और इन चार कॉलम में आपने वो सारे काम लिख दिए जो आपको इस हफ्ते करने हैं, अब क्या करना है, आप देखो कि जो कॉलम अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है ये आप ऑटोमेटिकली करोगे, ना चाहते हुए भी करोगे, क्योंकि भाई टीचर से मार पड़ेगी, पेरेंट्स से मार पड़ेगी जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेंगे हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो, हम कॉल्स नहीं उठाएंगे तो लोग कहेंगे घमंडी हो गए हो, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में, जो पहले क्वाड्रेंट में जितनी चीजें हैं वो हमारे लिए अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है, तो ये तो हमें करना ही करना है, गॉट इट। अब जो दूसरा कॉलम आता है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम होता है। क्यों होता है भैया? अब देखो यार, एक्सरसाइज करना हो या हमारे खुद के जो फ्यूचर की बात हो, जो भी हम काम कर रहे हो वो काम की बात हो या प्लानिंग की बात हो सकता है कि ये अभी करना जरूरी ना हो लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। जिसे आपको दिन का जो 10% हिस्सा है वो आपको इसमें देना ही देना है अगर आप अपनी लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हो। अब रही बात थर्ड और फोर्थ कॉलम की, तो भाई एक सजेशन मानो कि अगर सक्सेसफुल बनना है तो इस क्वाड्रेंट को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो। जी हां, इस क्वाड्रेंट को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो समझ में आया? ये इतना इफेक्टिव तरीका है यार कि मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूं और जो चीजें मुझे प्रैक्टिकल लगती हैं वही चीजें मैं आपको कैरी फॉरवर्ड करता हूं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपने हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। ऐसे ही वीडियोस लगातार पाने के लिए हमारे चैनल एजुकेशनल हाइक्स को सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।